दोस्तों आज हम लोग मेडिटेशन के लिए कानपुर जा रहे हैं और इस ब्लॉग में आप सबको मेडिटेशन सेंटर दिखाएंगे और आप सबको उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों यह गंगा नदी है जो कानपुर के बगल से और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। दोस्तों रेलवे स्टेशन से धोरी घाट के लिए आप सबको 200 से 250 रुपये में ऑटो मिल जाता है। धोरी घाट और रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 23 किलोमीटर है। दोस्तों कानपुर रेलवे स्टेशन से धोरी घाट मेडिटेशन सेंटर तक आने में 40 से 50 मिनट लगा है और हम लोग पहुंच गए हैं मेडिटेशन सेंटर। चलिए दिखाते हैं आप सबको, एक गेट आ गया है। दोस्तों यह मेडिटेशन सेंटर का गेट है और हम लोग छोटे गेट से अंदर जाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ मेडिटेशन करने के लिए आएंगे तो यह मेन ऑफिस है, आप लोग का फॉर्म यहीं पर वेरीफाई होगा और यहीं से आप सबको रूम की चाबी और सब सामान मिलेगा। दोस्तों यह जो बगल में रूम दिख रहा है यहाँ पर सब खाना बनाने वाला रसोईया रहता है और जो सामने हुआ लेडीज़ हॉस्टल है वहाँ पर सब लेडीज़ रहती हैं और हम लोग इसी गेट से अंदर जाएंगे। चलिए चलते हैं, आप सबको दिखाते हैं। यह जो बगल में पार्क है गेट के बगल में, यहाँ पर सुबह सब लोग टहलते हैं। और दोस्तों एक बात और आप सबको बता दें, यहाँ पर आर्य व्रत मौन का पालन करना पड़ता है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है और बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी आप बात कर सकते हैं। दोस्तों यह बॉयज़ हॉस्टल है ब्लॉक ए, यहाँ पर सिर्फ लड़के रहते हैं। चलिए आप सबको दिखाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बाहरी लोग नहीं आ सकते, जो मेडिटेशन के लिए आते हैं वही अंदर आ सकते हैं। दोस्तों यह सामने किचन है, चलिए इसके अंदर चलते हैं, आप सबको दिखाते हैं।
दोस्तों यह जो सामने दिख रहा है पगोड़ा है और इसके अंदर बैठकर ही मेडिटेशन किया जाता है। यहाँ पर दो पगोड़ा और एक शून्यागार है। दोस्तों यहाँ पर दो बॉयज़ हॉस्टल हैं, एक ब्लॉक ए है और दूसरा ब्लॉक बी है। हम लोग ब्लॉक बी में चलते हैं और ब्लॉक बी में ही मेरा रूम है। चलिए आप सबको दिखाते हैं। दोस्तों यह जो सामने टाइम टेबल है इसी के अनुसार आप सबको खाना, सोना और मेडिटेशन करना पड़ता है। इसी हॉस्टल में मेरा रूम है और वह दूसरे फ्लोर पर है। चलिए आप सबको दिखाते हैं। दोस्तों यह मेरा रूम है, रूम नंबर 110। चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों आपको सोने के लिए यहाँ पर एक चद्दर देंगे और एक बेडशीट देते हैं। और बगल में यहाँ पर बाथरूम है। चलिए दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए, रूम के लिए और खाना के लिए यहाँ पर पैसा नहीं देना पड़ता है। दोस्तों यह हॉल नंबर 2 है, इसी में बैठकर हम लोग मेडिटेशन किए थे। चलिए आप सबको अंदर दिखाते हैं।
दोस्तों यह शून्यागार है। दोस्तों यहाँ शून्यागार में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, छोटे छोटे रूम होते हैं जिसे कोशिकाएं कहते हैं। इसी के अंदर बैठकर सेंटर की तरफ मुंह करके मेडिटेशन किया जाता है और कोशिका में यहाँ पर एक कुशन होता है जिसको रखकर इसी पे बैठा जाता है और ध्यान लगाया जाता है और आखिरी दिन कुशन को उठाकर दीवार में ऐसे टंग दिया जाता है। तो यहाँ पर एक नया धम्मा हाल और एक पगोड़ा बन रहा है जो 6 महीने से साल भर में यह बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों यह मेडिटेशन सेंटर गंगा नदी के बगल में बना है और मेडिटेशन सेंटर के बगल में ही धोरी घाट है। चलिए आप सबको दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं धोरी घाट। यह सामने मंदिर है और मंदिर के जस्ट पीछे ही गंगा नदी है और यह मेडिटेशन सेंटर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। उसको हिट करो, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।